आपके बेटे को पोलियो हो गया है। अपने बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी। कैसे बनाएगी तू इसे डॉक्टर? अब तो इसकी टांगे भी काम नहीं करती। हमारा हौसला और इसका जहन तो काम करता है ना, और टांगे, हम बनेगा इसकी टांगे। अब तुमको 24 घंटे देता है, ये गांव छोड़ दो। जरमीना बीबी, आपके जिम्मे एक खास जिम्मेदारी लगाई जा रही है। हमारी टीम को लगता है कि आप वो जिम्मेदारी बखूबी निभा पाएंगी। सर, आप जानता है हमारे इलाके के बच्चों को पोलियो ना हो मेरे शाहजेब की तरह, उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है सर, मैं जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी। जब कोई माँ अपने बच्चे को घसीट घसीट के खुद को चलते हुए देखती है तो ये बात उसके लिए बहुत तकलीफदेह होती है, और हम उन माओं की ये तकलीफ दूर करना चाहता है। अब बताइए जाना कहाँ है? इस इलाके में कुछ लोग ज्यादा तंग करते हैं, वहां जाना है आपने। कोई भी इस गांव में आने को तैयार नहीं होता। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे हम खैरियत से इधर से वापस जा सकें। क्यों, इस इलाके में ऐसी क्या बात है? ये इलाका मुजरिमों का खतरनाक तरीन इलाका है। बदमाश, लुटेरे सब लोग यहीं पे रहते हैं, इसीलिए तो किसी पोलियो वर्कर को यहाँ पर नहीं आने देते। बदमाशों का गढ़ है ये इलाका। मैं भी आपकी तरह एक मकसद के तहत आती हूँ यहाँ पर। मैंने सुना है कि एक बार एक पोलियो वर्कर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था यहाँ से। सच्ची? तुम लोग इधर गलत जगह आ गया, निकलो, फौरन निकलो। यह डर तो मौत भी आने से घबराता है। तुम लोग क्या सोच के आए? हम तो तुम्हारे गांव में तुम्हारा बच्चा को पोलियो का खतरा पिलाने आए हैं, और तुम हमसे कह रहे कि हम ही निकले यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये इधर बाहर से कोई नहीं आता, और तुम हमारा फिक्र में कर छोड़ो, अपना फिक्र मनाओ। सामान के साथ कहीं तुम्हारा इज्जत पे डाका ना डाल जाए। हमारा इज्जत पे डाका नहीं डलेगा, बल्कि तुम्हारा बच्चों का मुस्तकबिल पे डाका डलेगा। अगर तुम्हारा बच्चा पोलियो की वजह से नहीं चल पाता तो सोचो कैसा लगेगा तुम्हें, तुम्हें तब हमारा याद आएगा। अपना बकवास बंद करो, तुम्हारा पोलियो का ड्रामा यही खत्म कर देगा। तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है कि तुम इधर से जिंदा जा रहे? ये इधर का रुख दोबारा करने का जोरत भी नहीं करना, निकलो इधर से। हम जाते हैं, मगर एक बात याद रखना, पोलियो एक गया वक्त है जो लौट के नहीं आता। चलो, पोलियो को सर पे चढ़ा रखा है इन लोगों ने। क्या हुआ है तुम लोगों को? कुल टूटा हुआ है, घर को जाना है। तुम लोगों को घर कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, हम लेके जाएगा तुम लोगों को। आज चलो 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 यहाँ से सीधा। Thank you.
इधर से आओ। अभी नहीं, रुको तो। रुको रुको रुको। आ जाओ। आराम से हो, आराम से हो। नीचे मत देखो, हमारा टांग पकड़ो, नीचे मत देखो, आराम से आराम से आराम से आराम से। अल्लाह तेरा शुक्र। वो हमारा तो जान निकल के हथेली पे आ गया था। किधर था तू? बाबा आने से बचाया है। पोलियो वाला माई, तुमने हमारे बच्चे को बचाया। कर्जदार, पूरा गांव तुम्हारा कर्जदार है। तुमसे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। आज के बाद हमारा गांव का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है और तुम्हारा जान और इज्जत की हिफाजत हमारा जिम्मेदारी है। तुम हमारा बहन है, हमारा बहन है बहन। शाज़िब, ये देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। ये तो व्हील चेयर है। हाँ ना, मगर इसका तो पहिया ही नहीं है। ओहो, ये आ गया है ना, अब इसका पहिया भी आ जाएगा। मगर कैसे आएगा? ओहो, कैसे आएगा ये तुम मुझ पे छोड़। मैंने सोच लिया है ना, तो अब मैं पहिया ला के ही छोड़ेगा। देखना, बहुत जल्दी इसका पहिया भी आएगा और तू गोल 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 इसमें घूमेगा भी। अच्छी है ना? ये क्या हो रहा है? यह खून देने का कैंप लगा हुआ। यहाँ जो भी खून देता है उससे पैसे भी मिलते हैं। खून देने के पैसे? जी हाँ बिल्कुल।
ये बता ये पहिया आया कहाँ से? देख बेटा, जब इंसान का नीयत साफ होता है तो अल्लाह रास्ता खोल देता है। अम्मा, तेरी जिद के आगे ना ये जमाना भी बेबस हो जाता है। हम तुम्हारा माँ है, हमारा बस नहीं चलता, पर हम तो तुम्हारा नया टांगे भी लगवा के दे तुम्हें। तेरा मेहरबानी अम्मा। बस कर। इसमें क्या है तुम भर के सुना दो। आपके बेटे शजैब को फुल स्कॉलरशिप के साथ मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है। हमारा बेटा को दाखिला मिल गया है? शाजेब, शाजेब ये देखो, वो कह के गया है कि तुम्हें दाखिला मिल गया कॉलेज में। देखो इसे ही बोल रहा था। हाँ माँ, मेरा एडमिशन हो गया है। मेरा ख्वाब पूरा हो गया। तेरा बेटा डॉक्टर बन गया। आज तेरा ख्वाब पूरा हुआ, तेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। अभी ख्वाब पूरा नहीं हुआ, ये ख्वाब तो आता है। तेरी माँ का ख्वाब पूरा तब होगा जब उस अस्पताल में लकड़ी के बजाय मरीज लोगों का इलाज होगा। इंशाल्लाह। इस गांव का लोग कहता था यहाँ कभी डॉक्टर नहीं आता, लो आ गया डॉक्टर। आज ही जाएगा, आज ही जाएगा और आज ही अस्पताल खुलवाएगा। अब हम देखते हैं इस गांव का अस्पताल खोलने से कौन रोकता है। ऐसे ही होगा खान जी। लड़ रहे
के कदलावर खान, हम आ गया, तुम हार गए, जानेगा कैसे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, ताकत था, जोर था, और हमारे पास सबर का ताकत था, जिसने सब कुछ बिखेर दिया तुम्हारा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। दिलावर खाना, कुछ भी बोलने से पहले याद रखना, हमारा गांव और हमारा कबीला ये इसका एहसान मंद है, ये इसके लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हमारा जंग सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं था, बल्कि तुम्हारा निजाम के साथ भी था, जिसकी वजह से इस गांव के मजलूम लोगों को तू जकड़ता था। यह अस्पताल तो बने और जब अस्पताल बनेगा तुम्हारा और मेरा जंग खत्म। जाने दियो सबको। राजा जर्मेने राजा, ऐसा बदला लेगा जर्मीना से कि दुनिया याद रखेगा। इसका बेटा डॉक्टर है ना, है जब डॉक्टर नहीं रहा तो फिर अस्पताल चला के दिखाए, देख ले अपने बेटे को आखिरी बार। खान जी, खान जी उठो, उठो खान जी उठो। क्या हुआ, क्या हमारा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या बोल रहे, किसने बताया? एक्सीडेंट हो गया, जमील खान ने बताया है, बचाओ उसे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अगर उसे कुछ हो गया मैं मर जाएगा। या खुदाया, किधर? खान जी, गांव वालों ने बताया कि जिधर एक्सीडेंट हुआ है ना, वो उधर एक डॉक्टर रहता है पास ही, उसके पास लेके गया छोटे खान को। किधर उसका? मेरे को पता है, चलो चलो चलो, जल्दी चलो, बच्चा को कुछ नहीं हो, जल्दी जल्दी चलो, हमारा बच्चा, वो किसान में होगा, हमारा हमारा बच्चा, कटाओ कटाओ, जल्दी खोलो, खोलो दरवाजा जल्दी से, हमारा बच्चा। खून बहुत बह गया था, हमने आपके बेटे को स्टिचेस लगा दिए, अब उसकी जान खतरे से बाहर है। हमको माफ करो जर्मेने, हमने बहुत ज्यादा की तुम्हारे साथ, माफ करो, हमको माफ करो।